वेलकम फ्रेंड्स, मैं रजनी पाल गुनगुन सिविंग क्लासेस में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आज का वीडियो जो है वो बहुत ही खास वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको इसे बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि ये हमने शोल्डर और आर्म होल पर बनाया है। क्योंकि क्या हो रहा है, महिलाओं को बार बार चेंजेस करने के बाद भी शोल्डर गिरने की समस्या बार बार आती है। इससे ब्लाउज बिगड़ जाता है, जिससे क्या होता है कि ब्लाउज में फिनिशिंग नहीं आती है, कहीं रिंकल आ जाता है, आर्म होल में खिंचाव आने लगता है, झोल आने लगता है। ये छोटी छोटी जो प्रॉब्लम है ये बार बार आप लोगों को इरिटेट कर रही है, बार बार आ रही है ब्लाउज बनाते वक्त। तो आज मैंने उसके लिए बहुत ही आसान वीडियो तैयार किया है ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए और आप इसे जब बनाएं तो आपको इस तरीके की समस्याएं बिल्कुल भी सामने नहीं आए। तो चलिए देर ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं और मुझे आशा है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक कर लिया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम शोल्डर और आर्म होल के बारे में डिस्कस करेंगे। शोल्डर एवं आर्म होल, ये ब्लाउज का बहुत ही मेन पार्ट होता है और ब्लाउज का मेन पॉइंट है ये, क्योंकि अगर शोल्डर और आर्म होल बिगड़ा तो पूरा ब्लाउज बिगड़ जाता है। पूरा ब्लाउज किसी भी प्रकार से हम उसे सही करना चाहें तो सही नहीं हो सकता है। उसके लिए सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हम कटिंग किस तरीके से करते हैं और कटिंग करते वक्त हम छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख पाते हैं या नहीं रख पाते। तो देखिए, सबसे पहले आप नाप नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं आपको एक 32 साइज के नाप पे इसे बताने वाली हूँ और उसके बाद में आपको इसे 34, 36 पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके भी मैं छोटे छोटे टिप्स आपको दे दूंगी कि आपको किस तरीके से उस पर चेंज करना है। सबसे पहले हम 13 लंबाई रखेंगे, यहाँ पे सीना हमारा यहाँ पे 32 इंच का रहेगा, कमर हमारी 28 इंच की रहेगी और शोल्डर हमारा यहाँ पर आपका लगभग 14 इंच का आएगा, ठीक है। ये हमारा टोटल बॉडी मेजरमेंट है, ये हमारा पूरी तरीके से बॉडी मेजरमेंट है जिसको हमने बॉडी से लिया हुआ है, इसलिए हमें इसमें लूजिंग ऐड करनी पड़ेगी। इसमें हमको जो मार्जिन हम रखते हैं, थोड़ा सा जो सिलाई का मार्जिन रखते हैं, वो सब चीज़ें भी हमें इसमें इंक्लूड करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले देखिए आपने क्या लिया, सीना हमारा यहाँ पे 32 इंच आया, कमर हमारी 28 इंच आई। उसके बाद में जो हमारा गला है, आगे का जो गला हम यहाँ पर रखेंगे वो लगभग यहाँ पे रखेंगे 6 इंच का और पीछे का जो गला हम यहाँ पे रखेंगे वो कितने इंच का रखेंगे, लगभग 8 इंच का। ये हमारी बिल्कुल नॉर्मल साइज है, ना ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा डीप है, बिल्कुल नॉर्मल साइज पे मैं बता रही हूँ। उसके बाद में आपको आगे आने वाले वीडियो में डीप नेक के बारे में भी बताऊँगी जिसमें आपको किस तरीके से शोल्डर चेंजेस करने रहेंगे। देखिए, अब सबसे पहले हम यहाँ पर पहले नाप नोट कर लेंगे। आपको जैसा कि पता है, थ्योरी आपको पता ही है कि जब हम पीछे का भाग बनाते हैं, देखिए अब मैं यहाँ पर पीछे का भाग बनाऊंगी, किस तरीके से आपको बनाना है। पीछे का भाग बनाया, 13 इंच का ब्लाउज है हमारा, तो लगभग कितने इंच की लंबाई हम रखेंगे यहाँ पे, 14 इंच की, ठीक है। जब भी हमारा ब्लाउज 13 इंच का है तो हमने उसकी लंबाई कितने इंच पर रखी, 1 इंच बढ़ाकर रखी, तो यानी कि कितने इंच पर आ गई है, 14 इंच पर आ गई। उसके बाद में शोल्डर हमारा यहाँ पर कितने पर है, देखिए यहाँ पे 14 इंच पर आ रहा है। तो देखिए, मैं पहले आपको 14 पर ही मार्जिन करूंगी इस तरीके से, ठीक है। मेन आपका शोल्डर है इसलिए मैं आपको शोल्डर पर ही डिटेल से समझाऊंगी। देखिए, शोल्डर हमारा यहाँ पर कितने इंच का आ रहा है, 14 इंच का, 14 का हम आधा करेंगे तो हमारे पास आएगा 7 इंच। 7 में से रूल के हिसाब से हम कितने इंच माइनस करते हैं, 1.5 इंच। हमने 1.5 इंच यहाँ पे माइनस किया तो कितना इंच हमारे पास आएगा, यहाँ पे 5.5 इंच, ठीक है। देखिए, रूल का जो हमारा मेन पॉइंट है वो क्या है कि 14, जो भी आपका शोल्डर हो, कोई भी शोल्डर हो सकता है, जो भी आपका शोल्डर है, शोल्डर में से आपको पहले यहाँ पे 1.5 इंच माइनस करना है। उसके बाद में आपके 1.5 इंच, 7 में से जब आपने 1.5 इंच माइनस किया तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5.5 इंच आ जाएगा। 5.5 इंच अगर आपका आ जाता है तो आपको फिर क्या करना है, उसको 5.5 इंच पर यहाँ पे मार्किंग करनी है। ये हमने यहाँ पे 5.5 इंच पर मार्किंग करी, ठीक है। देखिए, ये हमारी 5.5 इंच पे मार्किंग आ गई, ये हमारी मार्किंग होनी चाहिए थी, लेकिन अगर हम इस नाप पे गला काटेंगे तो हमारा जो इस नाप पर अगर हम शोल्डर की कटिंग करेंगे तो हमारा डेफिनेटली शोल्डर उतरना ही उतरना है। क्योंकि जब पूरा शोल्डर हम कब लेते हैं, जब हम या तो बॉटनेक बना रहे हो या फिर हम कॉलर वाले ब्लाउज बना रहे हैं। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट है, इसे हमें यहाँ पर अभी डिस्कस नहीं करना है, हमें मेन शोल्डर पर ध्यान देना। देखिए, अब ये हमारा यहाँ पे शोल्डर हमने कितना ले लिया, 5.5 इंच ले लिया। अब उसके बाद में देखिए, 5.5 पे मैं यहाँ पे आपको आधा इंच बढ़ा के हमें आर्म होल का नाप लेना है, यानी कि हमारा आर्म होल कितने इंच पर आएगा, 6 इंच पर आएगा।
अब मैं इसको यहाँ पे कॉर्नर बना दूंगी, ठीक है, आया समझ में आपको। ये हमने यहाँ पे कॉर्नर बना दिया। पीछे का जो शोल्डर है वो हमको लगभग 1.5 से 1.75 इंच पर लेना है, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर नाप होता है कि हमको यहाँ के जो पीछे का शोल्डर है गोलाई वो किस पर देनी है, हमको 1.5 से 1.75 इंच पर देनी है। गोलाई देते वक्त अगर आपका जो गोलाई देते वक्त अगर आर्मोल की गोलाई अगर इस लाइन के नीचे भी आ जाती है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, उससे आपका ब्लाउज बिगड़ेगा नहीं, बस आपके रिंकल नहीं आएंगे ब्लाउज के अंदर और आपके जो ब्लाउज की जो टाइट आपका आर्मोल हो जाता है वो भी इसमें टाइट नहीं होगा। देखिए किस तरीके से आपको निशान लगाना है, ये देखिए। जब तक हमारी गोलाई अच्छे से नहीं बनेगी तब तक हमारी जो ब्लाउज में आर्मोल की प्रॉब्लम है ना वो बार बार हमें आती रहती है, कोना नहीं आना चाहिए। एक तरीके से कहने का मतलब ये है कि हमारे जो ब्लाउज है उसमें कोना नहीं आना चाहिए। देखिए अब ये तो हुई हमारी शोल्डर की बात, हमने यहाँ पे 5.5 इंच शोल्डर ले लिया। उसके बाद आता है हमारे गले की विड्थ, अगर हमारे गले की चौड़ाई भी ज्यादा हुई तो भी हमारा क्या है कि ब्लाउज उतरेगा। तो देखिए मेन हमको हमको गले की चौड़ाई कितने इंच पर रखनी है, 2 इंच पर रखनी है, ठीक है। गले की चौड़ाई हमको कोई भी ब्लाउज लो आप, 32 से 36 38 तक के भी ब्लाउज लोगे आप तो गले की जो चौड़ाई आपको रखनी है वो 2 से 2.25 के बीच में ही रखनी है। अगर इससे आपने बढ़ाई या तो 2.5 इंच तक भी हम कई बार रखते हैं, लेकिन 2.5 इंच को रखने के बाद ये है कि थोड़े से चांसेस बढ़ जाते हैं कि हमारे गले की जो शोल्डर है हमारा वो उतरने लगे। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको गले की चौड़ाई कम से कम रखनी है। अगर आप गले की चौड़ाई कम रखेंगे उससे क्या होगा, आपका जो ब्लाउज है वो गले की तरफ ही खींचा रहेगा, शोल्डर की तरफ नहीं गिरेगा, ठीक है। अब देखिए गले की जो चौड़ाई है वो कितने इंच पर आ रही है, गले की लंबाई वो 8 इंच पे आ रही है। 8 इंच पे हमको क्या करना है, ऊपर हमने 2 इंच लिया, नीचे की तरफ हम ये लगभग 2.75 तक फैला देंगे, ठीक है। गले की जो चौड़ाई है वो हम कितने इंच तक फैला देंगे, 2.75 तक। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बल्कि आपका जो गला है वो फैला हुआ बनेगा। देखिए इस तरीके से, ये देखिए कितना सुंदर हमारे गले की शेप आ रही है, बहुत अच्छी शेप हमारे गले की आ रही है। अब आपको क्या करना है, बिल्कुल पाव इंच आपको यहाँ पे शोल्डर डाउन करना है आगे की तरफ, ठीक है। जब भी आप ब्लाउज बनाएं 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है, पहले आपको शोल्डर परफेक्ट लेना है, उसके बाद गले की विड्थ को कम लेना है, उसके बाद आपको जो शोल्डर है यहाँ पर आप देख रहे हैं उसको थोड़ा सा गले की तरफ से 0.5 इंच या 0.25 इंच आपको यहाँ पे छांट देना है, जिससे आपका क्या हो जाए गले की जो फिटिंग है वो थोड़ी सी अच्छी आ जाए। उसके बाद तीसरा जो चौथा जो पॉइंट हमारा आता है वो मेन पॉइंट होता है, वो होता है पाइपिंग लगाने का तरीका। जब आप ब्लाउज को सिल लेते हैं, शोल्डर जोड़ लेते हैं, उसके बाद जब आप पाइपिंग लगाते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि पाइपिंग को शोल्डर वाले पोर्शन पर थोड़ा सा खींच कर लें, जिससे उसकी पकड़ अच्छी बन जाए और आपके ब्लाउज की जो फिटिंग है, गले की जो फिटिंग है वो भी बहुत अच्छी आए, ठीक है। ये तो हुआ आपका एक शोल्डर और आर्महोल का पॉइंट। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे सीना कितना लेना है आपको। सीना आपका यहाँ पे कितने इंच का आ रहा है, 8 इंच का आ रहा है, और 8.5 इंच पर आपको इसकी फिटिंग का निशान लगाना है, यानी कि 0.5 इंच बढ़ाकर हम फिटिंग की निशान लगाएंगे। और यहाँ पे आपको क्या करना है, 1.5 से 2 इंच का आपको यहाँ पे मार्जिन रखना है। कमर आपकी यहाँ पे 28 इंच की है तो 7 इंच हमारी चौड़ाई आएगी कमर की, और 1 इंच हम यहाँ पे टक्स का जोड़ेंगे यानी कि 8 इंच पर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे इसको फिटिंग के लिए इस तरीके से मिला देंगे, फिटिंग की निशान को 1.5 से 2 इंच पर हम मिला लेंगे इस तरीके से। ये देखिए ये टक्स पॉइंट है हमारा, यहाँ पर 3.5 इंच की दूरी पर हम यहाँ पर टक्स की लंबाई का निशान लगाएंगे लगभग 5 इंच पर, ये हमारा टक्स का निशान हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया हमारा नॉर्मल तरीके का, जिसमें हमारा आगे का गला 6 लेना था हमें और पीछे का गला 8 लेना था। आगे का पोर्शन आपको मैंने बहुत बार 4 टक्स वाला, कटोरी वाला, प्रिंसेस कटल सब बता रखा है, यहाँ पे मैं सिर्फ आपको शोल्डर और आर्महोल के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको यही चीज बताऊंगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए एक चीज और मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपने इस तरीके से लिया तो उसमें आपके पास क्या होता है कि कई बार आपकी ये प्रॉब्लम आएगी कि मैडम इस तरीके से हमने काटा तो सही लेकिन हमारा शोल्डर चौड़ा हो गया,
ठीक है। अब देखिए शोल्डर कितना चौड़ा हो गया, देखिए यहाँ पे आपका शोल्डर पूरा 3.5 इंच का आ रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा चौड़ा हो जाता है। अगर हम पाव पाव इंच सिलाई में भी दबाएंगे तो भी ये हमारा 3 इंच का शोल्डर होगा, और आजकल जो ट्रेंड में चल रहा है वो 2 से 2.5 इंच का शोल्डर चल रहा है। तो इस कंडीशन में हमको यहाँ पे क्या करना है, 1/2 इंच शोल्डर और कम कर देना है। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1/2 इंच शोल्डर और कम कर देंगे, अगर हमें शोल्डर पतला रखना है तो। ठीक है, अगर आपको नॉर्मल 3 इंच का शोल्डर चलता है तो आप इसी नाप से कटिंग कीजिए, और अगर आपको पतला शोल्डर चाहिए तो आप इसकी शोल्डर की जो कटिंग है वो 5 इंच पर कीजिए, उसके बाद 5.5 इंच पर आप अपना आर्म होल बनाइए इस तरीके से। ये देखिए मैं डॉट डॉट के निशान से आपको बताऊंगी ताकि आपको ये दोनों में अंतर समझ में आ जाए। अब यहाँ पे सेम वही 1.5 से 1.75 पर हम निशान बनाएंगे, और एक निशान हम यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैं डॉट डॉट करके इसको बना लूंगी। यहाँ पर दोनों ही नापों में आपको अंतर अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर आपको 3 इंच का शोल्डर परफेक्ट लगता है तो आप 5.5 पे इसकी कटिंग कीजिए, और अगर आपको शोल्डर थोड़ा सा पतला रखना है तो आप उसकी कटिंग 5 इंच पे कीजिए। इतना सा आप शोल्डर अगर कम ज़्यादा करेंगे तो उससे आपके ब्लाउज में कोई फर्क नहीं आएगा, बल्कि आपका जो ब्लाउज है वो अच्छा बनेगा, बहुत ही बढ़िया बनेगा। और आप वीडियो को एंड तक देखा कीजिए, अच्छे से देखा कीजिए, स्किप मत किया कीजिए, क्योंकि स्किप करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमारी इंपॉर्टेंट चीज छूट जाती है और हमारे ब्लाउज में हमको वो देखना पड़ता है। अगर आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिल रही है तो आप बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपकी जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, आप इसे बनाने की प्रैक्टिस जरूर करेंगे, आप इसे फॉलो करने की जरूर कोशिश करेंगे ताकि आपको ब्लाउज में जो भी समस्याएं आ रही हैं वो बिल्कुल भी इसमें नहीं आए। अब देखिए इसमें अगर आप मान लीजिए 34 साइज का ब्लाउज बना रहे हैं तो हो सकता है आपका शोल्डर 14 इंच ही आए और आपको मेजरमेंट यही लेना पड़े। आप 36 इंच का ब्लाउज बनाए तो भी हो सकता है कि आपका शोल्डर यही आए, क्योंकि जो मेन रेगुलर जो शोल्डर होता है वो हमारा 13-14-15 इसी बीच में आता है, इससे ज्यादा हमारा शोल्डर नहीं आता है। तो ठीक है, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे बनाने की प्रैक्टिस जरूर करेंगे। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। अगर आप सिलाई में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, सिलाई से जुड़ी नई नई चीजें सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती।